हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करने के लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं इस बारे में। प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। उससे निपटने के लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मेडिसिन का भी बड़ा चॉइस मुश्किल हो जाता है कि इसमें, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती है जो बच्चे को नुकसान कर सकती है, तो आप दे नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप प्रेगनेंसी के दौरान एटलीस्ट ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर होने की समस्या को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपके सपोर्ट से हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें ताकत मिलती है। आते हैं आज का टॉपिक पर, टिप्स टू रिड्यूस हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने बॉडी वेट को प्रॉपरली मेंटेन करिए। बॉडी वेट जिन लोग का ज़्यादा बढ़ जाता है, जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लेते हैं, उनको प्रेगनेंसी के बाद उसे कम करना और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। उनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बॉडी वेट प्रॉपरली मेंटेन करिए। इसके लिए देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो सब चाहते हैं कि वो ज़्यादा खाना खाए ताकि बच्चे को पोषण मिले, पर उसको ओवरडू मत करिए। उसको बहुत ज़्यादा करने का प्रयास मत कीजिए। ऐसा मत करिए कि उसके चक्कर में आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पाए। तो आपको उसको अगर प्रॉपरली मेंटेन करना है तो उसमें आपको डाइट का सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है, ताकि प्रोटीन या इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लें, वज़न बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं करें, मैनेजेबल हो जितना उतना ही वेट पुट ऑन करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। आपके हार्ट का हेल्थ और आपका ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें प्रॉपर लिमिटेशन में तभी रहेगी जब आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा पुट ऑन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान लोग आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग उतना काम नहीं करना चाहते हैं। एक ट्रेडिशनल कल्चर ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आराम करना चाहिए। इसके कंपैरिजन में कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल्स काम करती हैं, ऑफिस जॉब्स वगैरह भी करती हैं, या घर पर भी अगर है तो रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करती हैं, उनके लिए ओवरऑल फिटनेस लेवल ज़्यादा अच्छे रहते हैं और उनका ओवरऑल प्रेगनेंसी में वेट पुट ऑन भी कम होता है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम होती है। तो अगर काम आप कर रहे हैं और बॉडी अगर परमिट कर रही है तो काम करना चाहिए। अगर काम नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना चाहिए, या काम के साथ भी एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि हेल्दी डाइट रखिए। ताज़ा फल सब्जी ये ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे फैट्स को ज़्यादा मत लीजिए जिससे वज़न ज़्यादा पुट ऑन होगा। ये वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका बीपी भी ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट भी नहीं रखिए, सैचुरेटेड फैट्स और बहुत ज़्यादा शुगर्स भी मत रखिए। ये सारी चीज़ आपका बॉडी वेट भी बढ़ाएगी, और बॉडी वेट बढ़ाएगी तो इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, उसे कंट्रोल करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी रिलेटेड भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, और वैसे भी इस दौरान काम करना मुश्किल होता है, बॉडी वैसे ही स्ट्रेस में रहती है। तो अगर वर्क फील्ड में भी थोड़ा स्ट्रेस हो या और भी कोई तरह का सोशल स्ट्रेस हो तो उसको मन से दूर रखना चाहिए। योगा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या स्ट्रेस सपोर्ट ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेस अगर आपका कम होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो भी आप रेगुलर बेस पे योगा मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपका मेंटल थोड़ा बहुत भी अगर स्ट्रेस होगा तो वो कम हो जाएगा। एंटी एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन का बहुत ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। पर अगर किसी को सिग्निफिकेंट एंग्जाइटी वगैरह का प्रॉब्लम है तो फिर वो थोड़ा लो डोज में मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपर प्रीनेटल केयर का ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपरटेंशन वगैरह का आप रेगुलर बेस पे चेक करते रहें, रेगुलर बेस पे ब्लड प्रेशर चेक करते रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है, लोग इग्नोर करते हैं और फिर जब बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद फिर उसका चेकअप करवाते हैं और फिर पता चलता है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है, तब किडनी फेल होना, प्रोटीन लिवर फेल होना या हेल्प सिंड्रोम होना, ये सब चालू हो जाता है। तो रेगुलर बेस पे आप हेल्थ चेकअप्स करते रहेंगे, हर 5-7 दिन में एटलीस्ट एक दो बार ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जल्दी आप बीमारी को या प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी उसे ट्रीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग खुद भी नहीं कर रही है और सेकेंड हैंड स्मोक को भी अवॉइड करना है। यदि आप खुद स्मोक करते हैं तो भी अवॉइड करिए, और अगर आपकी फैमिली में कोई हस्बैंड या कोई स्पाउस या कोई और रिलेटिव है जो स्मोक करता है तो उसे भी अवॉइड करने को बोलिए, क्योंकि वो स्मोक जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके भी नुकसान करेगा, आपके बच्चे को भी नुकसान करेगा, और स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर ये स्मोक बॉडी में जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो हर हालत में आपको भी नहीं करना है स्मोकिंग, और अगर कोई और फैमिली में कर रहा है तो उसे भी रोकना है। नेक्स्ट है कि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन को अवॉइड करिए, जैसे कि पेन के लिए पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जिससे थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी अंदेशा रहता है, तो इसको भी लेने से पहले कोई भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स होगा, उसको डिस्कस करके लीजिए। हम यूजली रिकमेंड करते हैं कि एज़ फार एज़ पॉसिबल सिवाय आयरन कैल्शियम के, जब तक बहुत कंपलसरी नहीं हो प्रेगनेंसी में, जितना हो मेडिसिन अवॉइड ही करना चाहिए। ज़्यादातर मेडिसिन में कुछ ना कुछ या तो माँ या बच्चे को साइड इफेक्ट्स हो ही जाता है, तो इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो मेडिसिन अवॉइड कीजिए, ज़रूरी हो मजबूरी हो तो ही मेडिसिन को लीजिए। नेक्स्ट है कि सॉल्ट इंटेक को कम रखिए। सॉल्ट आप किसी भी हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बोला ही जाता है कि नमक आपको कम रखना है, जितना कम नमक हो खाने में उतना अच्छा है। लो सोडियम सॉल्ट के डेरिवेटिव्स आते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये सारे कई बार अगर किडनी का फंक्शन अच्छा है तो बीपी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं, तो लो सोडियम सॉल्ट भी आप ले सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो जितना कम नमक को लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि अगर कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये सारे कंडीशंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप जितना पॉसिबल हो कंट्रोल करिए। जितना अच्छा आप डायबिटीज़ और बाकी किडनी वगैरह प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए दवाई लेंगे या ध्यान रखेंगे डाइट वाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, तो उतना आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी कंपेरेटिवली कम होगा। कि काफ़ी केसेस में ये सारी बीमारियाँ एक साथ आती हैं, जिसके साथ ब्लड प्रेशर भी आ जाता है और दिक्कत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप डिहाइड्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो उससे किडनी का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, और ओवरऑल भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करिए। भले कई पेशेंट्स में तो कई बार लोगों को सूजन भी अगर हाथ पाँव में आने लगती है तो ऐसा देख के लगता है कि उनका पानी ओवरफ्लो हो गया या पानी बहुत ज़्यादा हो गया, पर वैसे केस में भी कई बार इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम ही रहता है, तो कितना हाइड्रेशन की ज़रूरत है उसके हिसाब से ध्यान रख के थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अगर आप पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट दिन भर में 2 से 3 लीटर आप पानी पियेंगे तो अच्छा है। अगर हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है या किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर स्लीप आपको रखना है। स्लीप डिप्रिवेशन अगर आपका हो रहा है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो हेल्थ खराब करने का और ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको अच्छा हेल्थ मेंटेन कर रखना है तो प्रॉपर स्लीप रखिए। लगभग 7-8 घंटे की स्लीप तो रखना ही है। अगर आप दिन भर में 3-4 घंटे ही सोते हो या बार बार नींद आपकी खुलती है, प्रॉपर आपका स्लीप हैबिट्स मेंटेन नहीं होता, स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं होता, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर के बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ मत कीजिए, जैसे कि कोई हाई ऑल्टीट्यूड्स वगैरह पे जा रहे हैं या कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर रिस्की एक्टिविटीज़ करने से भी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ते हैं जो कि ब्लड प्रेशर लेवल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत हाई रिस्क एक्टिविटीज़ या एडवेंचर एक्टिविटीज़ दोनों माँ और बच्चे दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेस पे घर पे ही चेक करिए। कई बार क्या होता है, लोग हफ्ते या महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी प्रॉपर मॉनिटर नहीं हो पाता है। महीने 2 महीने में आप जाएंगे और उस दिन आपका ब्लड प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, व्हाइट कोट इफेक्ट का भी फर्क से कई बार बीपी बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, तो डॉक्टर को कई बार मॉनिटर करने में दिक्कत आती है और आपको खुद ही नहीं पता रहता कि आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ना चालू हो गया। और कई बार तो ऐसा ही होता है कि प्रेगनेंसी में लोग 3-3 महीने में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि 3 महीने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा है और डॉक्टर के पास आप 3 महीने बाद गए तो बहुत लेट हो जाता है कई बार। तो जल्दी आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहेंगे हफ्ते में 1-2 बार, तो आपको जल्दी डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी और बीमारी प्रॉपर डिटेक्ट होने से, जल्दी डिटेक्ट होने से रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है कि कई बार अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन होता है तो लो डोज एस्प्रिन या बेबी एस्प्रिन दिया जाता है, जिसमें 50-75 मिलीग्राम एस्प्रिन दिया जाता है। इससे ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्री क्लैम्पसिया और कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम हो जाता है। ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, पर काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन आपको है और कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है तो आप ये लो डोज एस्प्रिन को ले सकते हैं, साथ में बीपी मेडिसिन को भी लेना ज़रूरी है, पर ये भी कुछ हद तक कॉम्प्लिकेशन और क्लॉटिंग के प्रॉब्लम को कम करता है। प्रीनेटल एक्सरसाइजेज और प्रीनेटल योगा कर सकते हैं। प्रीनेटल एक्सरसाइजेज कई बार आपकी बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है, और साथ में अगर आप योगा करते हो तो उसमें अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको बताते हैं, तो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कुछ हद तक इससे कम होता है।
तो आज के टॉपिक में हमने प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं उस टिप्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हमको नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोज़ नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। इसको आप हेल्थ टिप्स की तरह अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि सबका बेनिफिट हो। और हमारे चैनल पर सारे कंटेंट को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास के हिसाब से प्लेलिस्ट बने हुए। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके लिंक को क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा और मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा रेलेवेंट और यूज़फुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।